ली चोंग वई बैडमिंटन की दुनिया में ऐसा शायद ही कोई खिलाड़ी हो जो ली चोंग वई को ना जानता हो। ली चोंग वई रिटायर्ड मलेशियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। आज हम इस वीडियो में ली चोंग वई के बारे में बात करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप लोग, मैं हूं प्रशांत, आप देख रहे हैं प्रशांत मेहता यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, बात करते हैं ली चोंग वई के बारे में। ली चोंग वई का पूरा नाम दातुक ली चोंग वई है। इनका बर्थ 21 अक्टूबर 1982 में बेगन सेराई पैरक मलेशियन फैमिली में हुआ। शुरुआती दिनों में ली चोंग वई का इंटरेस्ट बास्केटबॉल खेलने में था, लेकिन जल्द ही आउटडोर गेम होने की वजह से उनका बास्केटबॉल खेलना बंद करा दिया। ली चोंग वई के फादर को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था। ली चोंग वई के फादर 11 साल की उम्र में ली चोंग वई को बैडमिंटन हॉल ले गए, जहाँ पे ली चोंग वई को खेलता देख वहाँ के लोकल कोच ने ली चोंग वई के फादर से पूछा क्या वो ली चोंग वई को एज अ स्टूडेंट ट्रेन कर सकते हैं। वहाँ से ली चोंग वई का बैडमिंटन का सफर शुरू हुआ। ली चोंग वई की मेहनत और लगन से बहुत ही जल्द उन्होंने अपना मलेशिया में अपना नाम बनाया। इंटरनेशनल सर्किट में 2003 से ली चोंग वई ने अपना जलवा दिखाया, जब वो 2003 मलेशिया ओपन में फाइनल में पहुंचे। ये उनका बैडमिंटन करियर का पहला मेजर टूर्नामेंट था जिसमें वो फाइनल पहुंचे। उसके बाद ली चोंग वई ने 2005 में मलेशिया ओपन और डेनमार्क ओपन का खिताब जीता। ली चोंग वई ओलंपिक गेम्स में अनलकीली गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर पाए, लेकिन 2008 बीजिंग, 2012 लंदन, 2016 रियो ओलंपिक में मलेशिया के लिए सिल्वर मेडल लाने में कामयाब रहे। आइए उनके कुछ टॉप अचीवमेंट्स की बात करते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2005 में ब्रॉन्ज मेडल और 2011, 2013, 2015 में सिल्वर मेडल लाने में कामयाब रहे। थॉमस कप 2006, 2008, 2010, 2016 में ब्रॉन्ज मेडल और 2014 में सिल्वर मेडल लाने में कामयाब रहे। कॉमनवेल्थ गेम 2018 मिक्स टीम में सिल्वर मेडल और 2006, 2010 और 2018 में मैन सिंगल्स में गोल्ड मेडल लाने में कामयाब रहे। एशियन गेम्स 2006 और 2014 में ब्रॉन्ज मेडल और 2010 में सिल्वर मेडल हासिल किया। ली चोंग वई को बैडमिंटन में लेजेंडरी खिलाड़ी माना जाता है। ली चोंग वई 6 मलेशियन प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें नेशनल हीरो का खिताब दिया। अक्टूबर 2014 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ मलेशिया ने लोकल मीडिया को बताया कि उनके टॉप खिलाड़ियों में से एक डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन सबका मानना था वो और कोई नहीं ली चोंग वई है। 11 नवंबर 2014 को एंटी डोपिंग रेगुलेशन के हिसाब से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने ली चोंग वई को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया। 1 मई 2015 को ली चोंग वई ने बैडमिंटन में वापसी की। 8 महीने के बैन के बाद उनका पहला टूर्नामेंट सुधीरमन कप था। दिसंबर 2017 में ली चोंग वई की पहली बायोपिक का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसका टाइटल ली चोंग वई द राइज ऑफ लेजेंड। ली चोंग वई ने लोकल मीडिया को बताया उनके रिटायरमेंट लेने का रीजन नोज कैंसर है, उसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने से मना किया है। आज भले ही ली चोंग वई बैडमिंटन से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। अगर आप ली चोंग वई को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस बैडमिंटन खिलाड़ी के ऊपर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे फिट। प्रशांत मेहता साइनिंग ऑफ।